नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गौ ब्लॉक्स। दोस्तों, आज हम पामिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाथ के उस पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे और उस पर बनने वाले बहुत ही सौभाग्यशाली चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हमें ये मालूम होगा कि हमें सफल विदेश यात्रा किस प्रकार होगी और भरपूर धन, सफल धन लाभ हमें किस प्रकार मिलेगा। ये पर्वत हमें दिखाता है, इस पे बनने वाले चिन्ह हमें दिखाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है तथा बेल का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं। देखो, ये हमारी हथेली है, ये मंगल का क्षेत्र है और ये चंद्र का क्षेत्र है। अगर चंद्र के क्षेत्र पर, चंद्र के पर्वत पर मछली का चिन्ह, इस तरह का कोई अगर ये चिन्ह हो, ये मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को अत्यंत क्रिएटिव बनाता है। आर्ट के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है, विदेशों तक इसकी ख्याति फैलती है। ऐसा जातक समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके धन अर्जित करता है। अगर दोस्तों आपकी हथेली पर साफ साफ मछली बनी दिखे, यानी उसके पूंछ और मुंह की आकृति स्पष्ट रूप से उभर कर आए, तो आपको भविष्य में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यह विदेश यात्रा आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होगी। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, आप प्रैक्टिकल तरीके से देखना कि जिस व्यक्ति की हथेली पर ये मछली का ऐसा चिन्ह हो या और चिन्ह जो मैं बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा अभी इस वीडियो पे, अगर वो चिन्ह मिलें तो उनको ज़रूर पूछना। तो वो ज़रूर कहेंगे या तो वो विदेश भ्रमण करके आ चुके हैं या प्लानिंग बना रहे हैं कि हम भविष्य में विदेश जाएंगे। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल तरीके से होता है। इसमें जो चीज़ इस हाथ में दिखाई देती है, जो चिन्ह दिखाई देते हैं विदेश जाने के और धन लाभ के, वो ज़रूर और ज़रूर होते हैं। इसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। सही दिशा में सही तरीके से मेहनत की जाए तो आप ये चीज़ पा सकते हैं, इस चिन्हों का भरपूर लाभ आपको मिल सकता है। दूसरा, अगर चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह हो और इसका मुंह बुद्ध पर्वत, ये हमारा छोटी उंगली है, इसके नीचे का हिस्सा बुद्ध पर्वत कहलाता है, ये बुद्ध पर्वत की ओर हो, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पैसा कमाएगा। उसकी कमाई भी विज्ञान, ज्योतिष और हस्तरेखा जैसा करियर से होगी। दूसरा, अगर मछली का चिन्ह मुख इसका जो है बृहस्पति की ओर, इस तरफ इसका मुंह हो, ये छोटी उंगली, ये तर्जनी उंगली की तरफ, तो ऐसे लोग काफ़ी आध्यात्मिक होने के साथ ही भविष्य में खान पान से जुड़े करियर में अच्छा पैसा कमाते हैं। अब दूसरा चिन्ह दोस्तों, अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर ये चंद्र की ओर आए, तो इनकी कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर चंद्र पर्वत से कोई सीधी रेखा आके भाग्य रेखा से मिल रही है, यहाँ पे, यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है, इस पे मिल रही है, तो ये व्यक्ति किसी न किसी तरह से भविष्य में विदेश जाएगा, और हो सके तो ये अगर स्पष्ट रूप से है तो वहीं सेटल भी हो सकता है। दूसरा, अगर यहाँ से कोई रेखा हमारी इस तरह आ रही है और ये भविष्य रेखा भी है, तो इनके जीवन में जो भी घटना घटने वाली है इसका पूर्वाभास इनको हो जाता है, इनकी हथेली का रंग बदल जाता है। दूसरा, अगर ये दोनों चिन्ह हैं और यहाँ से भाग्य रेखा निकल के यहाँ तक आ रही है हमारी मस्तिष्क रेखा तक,
तो इसका मतलब होता है कि हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी विदेश भ्रमण करेगा। अब विदेश भ्रमण तभी करेगा जब हमारे पास भरपूर धन लाभ हो। तो एक छोटा सा विश्लेषण था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर और ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।